हेलो व्हाट्सअप एडमिन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में पबजी मोबाइल लाइट थे रहा था और इस वीडियो में मैं रैंडम टीममेट से साथ थे रहा था। और इस वीडियो में दो गेम प्लेज हैं। एक गेम प्ले पबजी मोबाइल लाइट था, बहुत छोटा बनता है तो वीडियो भी बहुत छोटी हो जाती है, इंटरेस्टिंग भी नहीं रहती। तो इस वीडियो में मैं जो टीम मेट्स के साथ थे रहा था, ये तो वैसे ही लीव उतार दिया था, सिर्फ तीन टीम मेट्स थे। और ये पता नहीं जो है, ये पबजी मोबाइल लाइट था, ये मैप है, ये रेंदल जैसा ही है पर सैन ऑफ जैसा ही है, पर इसका नाम मुझे पता नहीं है। तो ये भूत टाइम जैसी जगह ही है, तो यहीं पर लैंड हो रहा था मैं। और अभी देख रहा मेरे साथ ही बिल्कुल बंदा आ गया था और उसे धन भी मिल दी थी। ये देख सकते हो वो धरती साइड जा रहा है और मेरा लैग की वजह से मैं इधर साइड पर उतर गया, तो उसे धन भी मिल दी थी। जल्दी से उतरते साथ ही देखना मुझे वो तैसे ही बताता है यहाँ से। वो यहीं से उतर गया, तूफान मिल जाएगी एकदम ज्यादा ज्यादा उसके पास। आधी दान भी मेरे पास कुछ है भी नहीं है। और है मेरे पीछे, तो यहाँ पे मुझे लेवल टू थी वेस्ट मिल दी थी और अभी मुझे लेवल टू था हेलमेट भी मिल गया था, पर मुझे दान तो चाहिए थी। और यहाँ पे जैसे ही मुझे M16 मेरी मैं सांस आया और देखना भी था ही मारता हूँ इसे। One HP है, प्लीज प्लीज ये फायर जीत गया। अरे क्या फाइट हुई यार ये। खैर इसको तो मार दिया और फिर मैं बैंजिल्स आने ला दिया था इतने दिन, तभी यहाँ पे बोट आ गए और देखना क्या ही डराते बता देता है ये मुझे बोट। अरे 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 एमओ दे एमओ दे एमओ दे एमओ दे दिया दिया दे मैं दिया मैं दिया। आई एम डेड आई एम डेड आई एम डेड। एमओ ही नहीं है एमओ ही नहीं है। खैर यहाँ पे तो मुझे एमओ ही नहीं था मिला, M16 में भी एमओ ख़त्म हो गया था, वेस्टर्न ट्राइब्स में भी एमओ नहीं था। और बोट और मेरी 1 HP थी और बोट भी, अगर मुझे एक भी बुलेट मार देता बोट तो मैं वहीं पे नॉथ हो जाता, पर किसी तरह मैं बचते आ गया। और यहाँ पे मुझे ये दान मिल दी SMG, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। तो मैं फिर थोड़ी सी हेल्थ तारते पुश तरने वाला था बोट पर, तो यहाँ पर मैं जल्दी से हेल्थ तार रहा था ताकि बोट कहीं पर बाद ना जाए। तो जैसे ही हेल्थ होती थी मैं फ़ौरन बोट पर पुश करने दिया, पर बोट तो फुटस्टेप्स आना बंद होते थे, तो मैं हील करते करते जा रहा था। मुझे लग रहा था बोट कहीं दूर चला दिया, क्योंकि काफ़ी देर होती थी, मैं पहले वहाँ पर बात कर दिया फिर वापस इधर दिया। तो यहाँ पर मुझे ATM भी मिलती थी तो मैंने ये भी उठा ली थी उनसे, और SMG से मैं तैयारी कर लूँगा। यार बोट तो मुझे मिला नहीं, मैं काफ़ी देर यहाँ पर ढूंढता रहा, मैं फास्ट फॉरवर्ड उतार दूँगा, पर मैंने काफ़ी देर यहाँ पे ढूंढा बोट भी नहीं मिला, तो और बंदा भी नहीं मिला, वो बोट पता नहीं कहाँ पे चला दिया। पर काफ़ी देर ढूंढने के बाद फिर मैंने तो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे तो वही बंदा ही नहीं है। यार मैंने यार लास्ट ट्राई दिया तो यहाँ पर दोबारा देखता हूँ और कोई नहीं था, तो फिर मैं यहाँ से चला दिया। यार यहाँ पर थोड़ा सा लूटा और देखना, अभी जैसे ही मैं यहाँ से लूट तो बाहर निकलूँ तो मुझे दो बोट आए आते मेरे पे, देखना क्या ही करते हैं, मुझे तैसे ही डराते हैं बोट। कोई और बंदा ना यहाँ पे अभी आ जाते तो बिल्कुल ओपन में क्या स्किन है ये बोट पांच मार रहा है बोट। अरे दो दो बोट है क्या, मुझे देख नहीं रहा, मुझे नहीं देख रहा कहाँ पर है बोट। ठीक है चलो एक तो मार दिया अभी दूसरा पता नहीं कहाँ पर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से वो वहीं पर था। अरे ये बहुत ज़्यादा मैं मार ही लूँगा इसको, मैं बताओ बोट कहाँ पर है थोड़ा।
यार यहाँ पे जो दोनों बोर्ड था उन दोनों को मार दिया। मुझे नहीं लगता कोई बोर्ड उस साइड से, वो जो पहले वाला बोर्ड था वो यहाँ पे तो नहीं था मेरे ख्याल से, पर हो भी सकते हैं, पता नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। दो बोर्ड एक साथ ही वैसे तो नहीं होते, तो मुझे लग रहा है एक बोर्ड वही था जो पहले मुझे मिला था वो यहाँ पर आ गया था, पर कोई आइडिया तो है नहीं है। अब मैं लूट से यहाँ से देखना, अभी मैं बंदे से इतनी देर तक ढूंढता हूँ पर मुझे मिलते ही नहीं है। पर पहले थोड़े अच्छे लूटर की तरह मैं यहाँ पर लूटिंग करूँगा, क्योंकि अब लूटर का काम लूटिंग करना होता है और मैं प्रोफेशनल लूटर हूँ। तो यहाँ पर बाइक मिलती थी तो अभी देखना, मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर ढूंढता रहा पर मुझे एक भी बंदा नहीं था मिलने वाला, इसलिए मैं बाइक चला चला था, बोर भी हो गया था, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मैंने बहुत यहाँ पर बंदे ढूंढे थे पर एक भी बंदा मिल ही नहीं था रहा यार। फिर यहाँ से मैं जा रहा था वहाँ पर, तुमके सामने दर थे, मुझे लग रहा था वहाँ पर बंदे हैं और मेरा शायद सच भी हुआ, जब वहाँ पर बंदे मिल भी गए थे, मेरे सारे टीममेट भी मारे थे हैं। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड हो गया इस तरह से। अरे अरे बंदे बंदे बंदे, मैं मरने वाला हूँ, ये अभी से फीलिंग तो आ रही है। मैं पता नहीं क्यों जा रहा, मरने तो वाला भी चाहता मुझे, इसलिए शायद जा रहा हूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड हूँ, मैं पूछता हूँ स्क्वाड में सोलो बंदा पूछता है और स्क्वाड जो है वो होल्ड था। आधे आधे बंदे आ गए, नहीं नहीं प्लीज 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 मार जा प्लीज। अरे यार कोई भी ना एकदम से ना क्या ही कर सकता हूँ यार। और यहाँ पर इतनी देर बाद जब जाते बंदे मिले तब जाते मेरे से रिकॉइल ही कंट्रोल नहीं हुआ और मारा दिया वहाँ पर। अगर वहाँ पे थोड़ा अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कर लेता तो बच जाता, पर है गलती होती और मारा दिया। अभी दूसरा गेम प्ले है, तुमसे एक गेम प्ले दे सकते हो, इतना छोटा हो गया था तो मैंने कहा दो गेम प्ले की वीडियो साथ में बना लेता हूँ। तो लेट्स गो, अभी दूसरा गेम प्ले आने वाला है। तो यहाँ पर मैं गोल्डन वुड्स खेल रहा था और ये भी रैंडम टीम मैच के साथ ही खेल रहा था, और इस बार पता नहीं मैंने इनको ही फॉलो कर लिया था आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है, पर हाँ मैंने इनको ही फॉलो किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो देखते हैं ये कहाँ पे लैंड करवाते हैं। अब ये लोग यहीं पे लैंड करवा रहे थे। अब मुझे, मैं तो पहले कभी आया नहीं हूँ इस मैप, ज़्यादा खेलता नहीं हूँ मैं ये वाला मैप, और मैंने पबजी मोबाइल लाइट भी अभी अभी खेलनी शुरू किया तो मुझे तो जगह था पता ही नहीं है। तो ये पता नहीं मुझे नई नई जगह लेते आ रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता इस जगह का यार। यहाँ पर रेंडरिंग की प्रॉब्लम होती थी जो नॉर्मली होती है मेरे साथ, हर गेम में ही होती है, तो मेरे लिए तो सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। तो जल्दी से लूटते हैं और देखते हैं जो बंदे आए उनको मारते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हो, इतनी देर लूटने के बाद भी मुझे सिर्फ M16 और एक स्नाइपर मिली थी DMR जो थे सिंगल फायर पे चलती है। तो मैं ज़्यादातर स्नाइपर चलाता नहीं हूँ, जैसे मेरे से बिल्कुल भी शॉट्स नहीं लगती हैं, मैं बहुत बुरा स्नाइपर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर असल्ट राइफल से इस्तेमाल करता हूँ या फिर SMGs। पर यहाँ पर मैंने कहा चलो ये मैच में मैं स्नाइपर इस्तेमाल करूँगा। तो पहले थोड़ा तिल चोरी करते हैं टीममेट्स के पास जाते हैं। यार यहाँ पे देखना मैं तिल चौड़ी से चत्तर में तेरा स्पाइडर मैन बन जाता हूँ और मरते मरते बचा था यार। यहाँ पर 75% तक हेल्थ चली दी थी और जल्दी से फिर मैंने लूटा था और हेल्थ भी नहीं थी मिली, हेल्थ बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे जैसे ही आया मैं तिल मिल दी थी। तो अभी तो ये काम तो हो देते थे, तो हेल्थ तो फुल हो जाएगी, और यहाँ पर मुझे 98 मिल दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी स्नाइपर भी हो गया तो मैं स्नाइपर इस्तेमाल करने वाला था इस पूरे मैच में,
अब यहाँ तो मुझे बंदे मिले ही नहीं, तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड उतार दूँगा। मैंने थोड़ा सा और लूटा पर तो ये अच्छी चीज़ मिली नहीं, तो उतार 98 M16 ही थी अभी तक तो मेरे पास, यही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा था। खैर अभी आते जाते मुझे एक बोर्ड मिल जाएगा जो थे मेरा पहला स्नाइपर से लोया था, तो रियल प्लेयर तो मैं मारने नहीं वाला। अरे मुझे तार 98 से मारना है। Enemy down. खैर यहाँ पे मैंने पूरा टाइम लेने के बाद इसे हेड शॉट से मार दिया, और मुझे फायरिंग दवा दी थी नीचे से, मुझे पता था नीचे बंदे हैं। बहुत तो मारा पर तो अभी देखो उन तो ऐसे हेड शॉट मारता हूँ, स्नाइपर से ही मारूंगा उन तो भी। तो प्रो स्नाइपर बन रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 10 सालों में बन जाऊंगा। अरे प्लीज यार रुक जा, मैं इतना प्रो स्नाइपर नहीं हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। एनिमी डाउन, एनिमी। अरे यार ये ना, अरे प्लीज नहीं, ये तो ऐसे बच गया था। एनिमी डाउन, तो स्नाइपर प्लीज फिनिश हो जा, इतने लोन। अरे ओपी ओपी ओपी, एक मिनट। अरे लेवल 3 नाइस। एनिमी डाउन, चलो स्नाइपर से तेल होने लाते थोड़े बहुत। तो यार ये दोनों रियल प्लेयर्स थे और ये मेरी स्नाइपर से, पहले 2 रियल प्लेयर्स तो मैंने मारा और फिर मैं अच्छा लूटर थी तरह लूटने ला दिया था और जोन भी आ गया था, तो जल्दी जल्दी से लूटते, अभी जोन में भी जाना था तो मैं जल्दी से लूटने ला दिया था। अभी मुझे यकीन भी नहीं था आ रहा था मैंने 98 से 2 बंदों को मारा, और यहाँ पर मैंने M4 ले ली थी, M16 और बैरल तो छोड़ते, बैरल तो इसलिए छोड़ा क्योंकि मिड रेंज में बैरल मेरे से बिल्कुल नहीं चलाने होती, तो M4 क्लोज रेंज और मिड रेंज के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए 98 है। तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मुझे बंदे की आवाज़ आई थी और देखो मैं क्या ही बेवकूफ बना यहाँ पर। है कहाँ पर ये M4 निकाल लेता हूँ, ये ना इससे पहले मार जाऊँ, ये सांप बना हुआ है यार, ये सांप से बच्चे ना नहीं मिलने वाले, तो भाग जाता हूँ इससे पहले देख ले। मैं ये बंदा तो सांप बन गया था और मिलने तो वाला नहीं था, तो ये बंदा मुझे आराम से मार देता, इसलिए मैं वहाँ से तो यहाँ पे भाग आया। अभी एक टीम ने मेरे टीममेट पर रश तार दिया था और मैं सीधा फाइट के अंदर ही जाते सोच लिया और फिर क्या ही मरा यहाँ पर। मार दिया ना ये ना, मारा हो ना और मैं यहाँ, अरे नहीं मारा है। यार यहाँ पे साउंड से तो मुझे यही लाद रहा था तो वो छत ऊपर है, पर ये साउंड ग्लिच था, ये पबजी में होता रहता है, तो मैं फैंस तोड़ दिया और यही मेरे हिसाब से बड़ी गलती थी। ये बंदा दिखा और मैंने एम पूरा बिगाड़ दिया, और यहाँ पे फिर दोबारा दिखा, इस बार तो मैंने नॉक आउट कर दिया उसे, और उसने भी मेरी हेल्थ काफ़ी लो उतार दी थी और मैं उसे फिनिश करने चला दिया था, फिनिश करने ना जाता तो शायद बच जाता, फिनिश करते करते उसके टीम मेट ने मुझे मार दिया, तो अगर फिनिश करने ना जाता, अगर अंदर चला जाता बिल्डिंग पे हील तार लेता तो शायद बच जाता, पर यहाँ पे उसके टीम मेट ने मार दिया और उसका रिवाइव भी तार दिया, तो सैड लाइफ। एक तो भी गेम नहीं जीत सकता, दोनों हार दिया, पर काफ़ी अच्छे स्नाइपर तेज दिए थे मेरे 2 बंदों को मारा था 98 से, जो थे मेरे पहले स्नाइपर तेल थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय बाय।